स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे तड़के वाली रवा इडली। इडली को आप बच्चों के लंच के लिए दे सकते हैं या फिर हल्की फुल्की भूख लगने पर बनाकर खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। चलिए तड़के वाली रवा इडली बनाना शुरू करते हैं। तड़के वाली रवा इडली बनाने के लिए एक कप सूजी को छान कर बाउल में ले लेते हैं। सूजी के लिए एक कप दही ले लेते हैं। आधी मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके ले लेते हैं। प्याज ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल लीजिए, नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज डालने के बाद 2-3 चम्मच हरा धनिया डाल लेते हैं। आधा इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कद्दूकस करके ले लेते हैं। 8-10 कड़ी पत्ते और 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लेते हैं। आधा चम्मच जीरा ले लेते हैं, जीरा भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डाल लीजिए। 1/2 चम्मच नमक ले लेते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद 1/2 कप पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 कप से ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, इडली का बैटर पतला हो सकता है। सभी इंग्रेडिएंट्स के अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। 1/2 घंटा हो जाने के बाद इडली वाले बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। सूजी अच्छी तरीके से फूलकर इडली बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। चम्मच से अगर हम गिराएं तो इस तरह से गिरना चाहिए। इडली के बैटर को साइड में रखने के बाद इडली के लिए तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1/4 चम्मच सरसों के दाने डाल देते हैं। सरसों के चटक जाने के बाद 1/2 चम्मच उड़द की दाल डाल देते हैं और 1/2 चम्मच चने की दाल डाल देते हैं। उड़द और चने की दाल डालने के बाद दाल को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेते हैं। तड़के के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तड़के को इडली बैटर में डाल देते हैं। जीरे और कड़ी पत्ते को आप इडली बैटर में डालने की जगह तड़के में भी डाल सकते हैं। तड़के के साथ में 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लेते हैं। इडली बैटर में बेकिंग सोडा डालने के बाद उसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, इसके तुरंत ही इडली बनाना शुरू कर दीजिए। इडली को स्टीम होने के लिए बर्तन में 1.5 गिलास पानी डालकर पानी को उबाल आने तक ढककर रख देते हैं। पानी में जब तक उबाल आता है, जब तक ग्रीस करके रखे हुए इडली स्टैंड में इडली बैटर को डाल लेते हैं। इडली स्टैंड को ऊपर तक ना भरें, क्योंकि जब इडली स्टीम होगी तो फूलेगी, इसलिए इडली बैटर को इडली स्टैंड में आधा ही भरें। इडली बैटर को इडली स्टैंड में रखने के बाद उसके एयर बबल्स निकाल दें। दूसरा साँचा रखते समय ध्यान रखेंगे, उसको एक के ऊपर एक नहीं रखना है, इस तरह से रखना है ताकि वो अच्छी तरह से स्टीम हो सके। सभी साँचों में इडली बैटर फिल करने के बाद इडली स्टैंड का नोब लगाकर इडली को स्टीम होने के लिए बर्तन में रख देते हैं। इडली स्टैंड को बर्तन में रखने के बाद 10-12 मिनट के लिए इडली को ढककर स्टीम कर लेते हैं। 7 मिनट हो जाने के बाद इडली को एक बार चेक कर लेते हैं। इडली को चेक करने के लिए नाइफ इडली के अंदर डाल के देखेंगे, ये थोड़ा सा गीला नज़र आ रहा है, इडली को फिर से ढककर पका लेते हैं। इडली को स्टीम होते हुए 10-12 मिनट हो चुकी है, फिर से चेक कर लेते हैं। इस बार चाकू साफ निकल के आया, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देने के बाद इडली स्टैंड को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। इडली स्टैंड का नोब हटाने के बाद इडली के साँचों को अलग अलग निकाल कर रख देंगे, जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। इडली को थोड़ा ठंडा करना ज़रूरी है, गर्म सांचों से इडली निकालने से इडलियाँ टूट सकती हैं। 4-5 मिनट के बाद जब इडली थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इडली को चम्मच या चाकू की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। इडली को थोड़ा गर्म रहते ही इडली स्टैंड से बाहर निकाल लें, इडली स्टैंड को पूरी तरह से ठंडा ना करें। इडली स्टैंड से इडलियाँ निकालने के बाद इडली को प्लेट में रख लेते हैं। इडली निकालने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। चाकू की सहायता से इडलियों को निकाल लेते हैं। चाकू या चम्मच आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। इडलियों को निकालने के बाद इडली को प्लेट में रख लेते हैं। बाकी की बची इडली भी सेम तरीके से निकाल लेते हैं। रवा इडली बनकर तैयार है। इडली को आप सांभर, मूँगफली की चटनी या नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। एक इडली को तोड़ के भी देख लेते हैं। अंदर से भी इडली एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। रवा इडली बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, रेसिपी को ट्राई करें, अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।